हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट, सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेके आज का, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 19 अप्रैल 2021 की शिफ्ट 3 और 24 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 में मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि SSC से जुड़े सभी एग्जाम जैसे कि CGL प्री और मेंस, CPO, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, जेडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी हमारी दोनों में स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी पहले ही अटेम्प्ट यानी कि CGL 2019 में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115 और इसके अलावा मैं CGL प्री में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर चुका हूं। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले मैं आपको CHSL 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन की 7 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। अभी आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और उसके अलावा अभी तक मैं CHSL 2019, CPO 2019, CPO 2020, CGL 2019, CGL 2020 के क्वेश्चंस करा चुका हूँ। अब CHSL 2020 के क्वेश्चंस जो है वो हम 20 मई तक ख़त्म कर लेंगे। 24 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले ठीक लास्ट मिनट जो स्ट्रेटजी होती है उसमें मैं आपके लिए वीडियो बन लेके आया हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन, आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। और इसके अलावा जब मेरा रिजल्ट आया था, तो मैंने उस पर अपना फैमिली रिएक्शन का एक वीडियो बनाया था। एक बार वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लें, बहुत मेहनत से बनाया था, ठीक है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँ, वो आपसे कभी मिस ना हो। और जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उससे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल से ज़रूर गो थ्रू होना। आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट में बात होती है, यहाँ पे फालतू बात कोई नहीं होती। और मैं आगे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी मुझसे किसी भी गाइडेंस, मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, तो गाइडेंस के लिए आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पेड उसके, बिल्कुल आपको फ्री में अनपेड आपको राय दूंगा, ठीक है। मतलब मुझे उसका कोई चार्ज नहीं चाहिए, ठीक है। आपकी हेल्प हो जाए तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं आपसे, तो मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, अगर किसी को भी कोई भी डाउट कभी भी आता है तो, ठीक है। और इसके अलावा मैं अपने स्कोर कार्ड CGL 2019 के प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव का स्कोर कार्ड और अपने चैनल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने जल्दी लेके आऊँगा एक वीडियो के अंदर, तो आप चैनल पर बने रहें। ये हमारे लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मैं चैप्टर वाइज भी मैथ्स का पूरा कोर्स करा रहा हूँ, और उसके अलावा मैंने 2019 और 2020 के CPO, CHSL, CGL के क्वेश्चंस कराए हैं। 2021 से मैं SSC से जुड़े सभी एग्जाम्स के यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन कराया करूँगा, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर थीटा, और ये इक्वेशन आपको दिया, थीटा एक्यूट एंगल आपको बोला। देखो, आपने ऑप्शन में देखा कि आपको चार ऑप्शन अवेलेबल है, 60, 30 और 45। 15 डिग्री की हमको वैल्यू जनरली नहीं पता होती, हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, ठीक है। तो आपको 60 की वैल्यू पता है, 30 की पता है, 45। पहले आप 60 रख के देख लो। 60 आपने रखा तो आपने देखा 2√3, और साइन 60 होता है √3/2। √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 3/4, और cos 60 होता है 1/2 -√3। फिर आपने देखा कि यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 मतलब 3/2 √3 आ जाएगा, प्लस 1/2 -√3। तो √3 तो यहाँ से कैंसिल ही नहीं हो रहा, कैंसिल नहीं हो रहा तो कैसे मैं 0 बनाऊँगा। तो मतलब जो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखी थी वो वैल्यू नहीं चलेगी। अब थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री रख के देखो, आपने 30 डिग्री रखा तो आपने देखा 2√3, और साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, और कॉस 30 कितना होता है √3/2 -√3। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ गया, √3/2 प्लस √3/2 कितना हो जाएगा आपका √3, √3 -√3 कितना आ जाएगा आपके पास 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगर कोई इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता है वो कुछ नहीं करेगा, वो साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos² थीटा की चेंज के रूप में बना लेगा, मतलब 1 - cos² थीटा में साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा पे, इस कॉस थीटा से साइन थीटा बनाना मुश्किल है, पर आप साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्टली बना सकते हो, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन बना के। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है कि a³ + b³ + c³ - 3abc किसके इक्वल होता है, a + b + c
और या तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख लो, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ऑप्शन में ये जो इक्वेशन है इसमें अवेलेबल ही नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। वैल्यू अवेलेबल किसकी है? ए प्लस बी प्लस सी की। तो आपने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में ही मैं इस पूरे इक्वेशन को लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पूरी जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो ए प्लस बी प्लस सी के ही फॉर्म में लिख दिया सारा। तो आपने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की तो आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और माइनस थ्री ए बी सी। तो आपने देखा इधर आके प्लस थ्री ए बी सी हो जाएगा, तो थ्री और ए बी सी की वैल्यू कितनी है 18। फिर प्लस ए प्लस बी प्लस सी चार, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चार का स्क्वायर कितना 16, तीन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी माइनस 14, ठीक है, आपने पुट कर दिया। आपने देखा 18 थ्री जा कितना होता है 54 होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो कि ये कितना आ गया 14 या 42, और 16 प्लस 42 आपके पास हो जाएगा कितना 58 हो जाएगा, ठीक है। 16 प्लस 42 जो है 58 हो जाएगा, और 58 फोर जा कितना होता है, ठीक है, 58 फोर जा आपके पास हो जाएगा 232। 232 में से जब 54 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 178। फिर आपने देखा अंडर रूट में आपको पूछा है 4 अगर आप कॉमन ले लें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 36। तो आपने देखा कि 4 इंटू 178, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की आप क्या वैल्यू निकाल चुके हो 178 और माइनस 36। तो आपने देखा कि 48 जा 32 और 14 दूनी 68 और 71 712 माइनस 36 आ गया आपके पास। तो 712 माइनस 36 कितना होता है 676। 676 का जो अंडर रूट है वो आपके पास कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है शॉपकीपर चार्ज ₹1.50 टू फोटोकॉपी अ शीट ऑफ पेपर और डिस्काउंट दिया जाता है 5.5% का पर जब 400 शीट से ऊपर की कॉपीज हो जाती हैं, मतलब पहली 400 शीट तक तो वो कोई डिस्काउंट नहीं देगा, पर जब शीट जो है वो 400 क्रॉस कर जाती है तब वो उसके ऊपर जो क्रॉस होने के बाद जो शीट्स 400 से ऊपर जो जितनी भी शीट्स बंदा फोटोकॉपी कराता है तो उस पे डिस्काउंट है। तो आपने देखा पहली बात तो आपको बोला है कि हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फोटोकॉपी 800 शीट्स ऑफ पेपर, मतलब 800 जो शीट्स है वो फोटोकॉपी करानी है तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। पहले तो आपने एक चीज़ देखी क्या कि पहली 400 कॉपी पे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलना, पहली 400 कॉपी तो उसने ₹1.50 के हिसाब से करनी है, मतलब एक शीट जो है ₹1.50 में करेगा तो 400 शीट जो है वो कितने में कर देगा। आपने देखा 400 शीट जो है वो 600 में कर देगा। फिर आपने देखा कि 800 में से 400 शीट जो पहली 400 शीट है उस पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, बाद की 400 शीट पे डिस्काउंट है, मतलब 800 में से आपने पहले 400 की बात कर ली, फिर रह कितनी गई 400। अब ये जो 400 शीट है ये ₹1.50 के हिसाब से तो है ही है, मतलब 400 जो शीट है एक शीट की कॉस्ट ₹1.50 तो 400 कितनी हो जाएगी 400 × ₹1.50। अब इस पे जो है डिस्काउंट है कितने का 5.5% का, इसकी खुद की वैल्यू जो है वो 100% है, 100 में से 5.5% गया तो आपके पास कितना हो जाएगा 94.5%, ठीक है। तो आपने देखा कि ये 20 से ये 20 गया और 1.5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आप देखते हो कि 6 आएगा, और 6 को अगर मैं 94.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखते हो 567 आता है। तो आपने देखा 6 और 5 1167 यानी कि ₹1,167 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है आपको बोला डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन, ये जो बेस है ये देखो कोन का जो बेस होता है सबको बताइए ना सर्कुलर होता है, ठीक है, ये जो कोन का बेस होता है ये ना सर्कुलर होता है, इसका आपको डायमीटर गिवन है कितना 18। डायमीटर अगर 18 गिवन है तो आपको पता है रेडियस जो है डायमीटर का आधा होती है, तो रेडियस कितनी होगी आपके पास 9 सेंटीमीटर। आपको कर्व सरफेस एरिया दे दिया किसका कोन का, आपको पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर और एल, इसकी आपको वैल्यू दिया। आपने देखा 424 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होता है 424 × 7, तो ये हो जाएगा 7 को अगर मैं 24 से तो 168 और 28 और 29 तो 2968 आपके पास आ जाएगा, ठीक है 2968। अच्छा 424 × 7 कितना 2968 और 2968 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2970/7, ठीक है, तो 2970/7 आपके पास आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो आपने देखा कि पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस कितनी आपको गिवन है, रेडियस जो है वो 9 है। एल एल क्या होता है आप सबको पता है, एल जो होता है ना स्लैंट हाइट होती है, मतलब जो कोन की हाइट होती है वो तो ये वाली होती है, ठीक है, ये जो है हाइट होती है और जो ये वाली साइड है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं,
ठीक है, तो आपने देखा 2970/7, 7 से पहली बार तो 7 गया, और उसके बाद अगर आप 22 को इस पे काटो तो आपको पता है 22 एकम 22 और 77 बचा, 77 जो है 66 जाएगा 3 और फिर 110 5, तो 135 आ गया, और फिर 920 को काट सकता है कितने में, 15 में। तो आपने देखा स्लैंट हाइट जो है वो आपके पास कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर, आपने देखा ये आ गई आपके पास 15 सेंटीमीटर। और आपको एक चीज़ पता है क्या, कि हाइट और रेडियस के बीच में, हाइट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है कोन के अंदर वो 90 डिग्री होता है। तो आपने देखा कि 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब आपको एक चीज़ पता है कि 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है एक, तो हाइट कितनी हो गई आपके पास 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका जो परपेंडिकुलर है यानी कि स्लैंट हाइट है वो आपकी कितनी है 15, 9 जो है वो आपका बेस है यानी कि रेडियस, तो हाइट आपकी जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी जो कि 12 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, आपको बोला रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 6:7 इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज इतना। आपने देखा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना, आपने देखा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना 6:7। फिर आपको बोला गया है क्या, आपको बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है स्कूल के अंदर वो कितने आपको गिवन है 3299। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स को जोड़ूं, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के रेशो को जब मैंने जोड़ा तो आपके पास क्या आया कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर मैं रेशो में देखूं तो कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो जोड़ दो तो कितना आ गया आपके पास 13 की वैल्यू कितनी आपको नंबरिंग में दिया है 3289, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रेशो के हिसाब से कितना 13, और वास्तव में जो नंबर है वो कितना है 3299। तो आपने देखा एक की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 253। आपको बताया नंबर ऑफ़ गर्ल्स, आपको बताना है नंबर ऑफ़ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने 7 का रेशो, तो 7 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 253 × 7, तो 7 21 और 25 को अगर मैं 7 से करूँ तो 175 177 आ जाएगा, 1771 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला एवरेज ऑफ 5 नंबर, मतलब कोई भी 5 नंबर मान लो आप, मैंने क्या माना ए बी सी डी ई, ये 5 नंबर है इनका जो एवरेज है वो आपको कितना दिया है 26.4। तो आपने देखा एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, अगर ये 5 नंबर है, 5 नंबर को जोड़ के डिवाइड कर दो नंबर ऑफ नंबर से, नंबर ऑफ नंबर कितने 5 नंबर है, 26.4 आ गया। तो आपने देखा कि 26.4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 132। ठीक है, और उसके बाद आपने एक और चीज़ देखी यहाँ पे क्या, आपको बोला कि जो फर्स्ट नंबर है मतलब कि जो ए है वो सम ऑफ द रिमेनिंग 4 नंबर मतलब बी सी डी ई इसका जो है वो 1/5 है। ठीक है, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 5a के इक्वल हो जाएगी। आपने देखा कि ए और बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की जो वैल्यू है 5a लिख दो, बाय पाँच नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 26.4 × 5 ये कितना हो गया आपके पास 132। तो 6a की वैल्यू कितनी हो गई 132, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। ठीक है, आपको बोला है क्या कि a बताओ कितना है, तो a जो है फर्स्ट नंबर है यानी कि 22 है। ठीक है, आपको बोला गया इन राइट एंगल ट्रायंगल abc, तो abc एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल b जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, आपको बोला है ab जो है वो 6 सेंटीमीटर है, bc जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और आपको बोला कि bd जो है वो परपेंडिकुलर है ac पे। आपको बोला है ad और DC का रेशो बताओ। ठीक है, तो आपको तो पहली बात ये चीज़ पता लग गई, अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूँ तो AB जो है 6 है, BC जो है 8 है, तो AC कितना होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, और हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया 6 और 8 बेस और परपेंडिकुलर देख के, हाइपोटेन्यूज हमारा 10 आ गया। उसके बाद आपने देखा कि आपको ये चीज़ पता है कि AD अगर हमें निकालना होता है तो AD के साथ वाली साइड जोन सी है वो कौन सी है AB, इसका स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दो हाइपोटेन्यूज से। अगर आपको CD निकालना है तो CD के साथ में कौन सी साइड है बेस, तो BC का स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दो हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि AD का अगर मैं रेशो देखूँ CD के साथ तो कितना आ जाएगा AB स्क्वायर बाय AC और BC स्क्वायर बाय AC। तो आपने देखा AC से AC चला गया, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का रेशो हो गया, तो AB की वैल्यू 6 BC की वैल्यू 8, तो आपने देखा 36:64 आ गया, और ये जो है वो एग्जैक्टली जाता है 4 पे अगर मैं इसको काटूँ तो आप देखोगे 9:16 आ जाएगा, तो 9:16 जो है वो आपका AD और DC का रेशो आ जाएगा। आपको बोला पैरामीटर ऑफ सर्कल, पहली बात तो पैरामीटर क्या होता है सर्कमफ्रांस, सर्कमफ्रांस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr
इसकी वैल्यू आपको 88 गिवन है, तो आपने देखा कि 22 दुनी 44, 44 जो 88 को कितने पे काटेगा, दो पे काटेगा, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर, तो एरिया आपसे पूछा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, 44 × 14 कितना होता है, 616। अभी वाला क्वेश्चन है आपको बोला है फ्रॉम अ पॉइंट पी दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब एक पॉइंट पी है जो कि 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है सेंटर से, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इन द सेम प्लेन अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर इज ड्रॉन टू अ सर्कल, मतलब एक पी पॉइंट है जो सेंटर, सेंटर जो है ओ पे है, उससे कितनी दूर है, उससे जो है वो 15 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, उससे जो है वो 15 सेंटीमीटर दूर है, और आपको बोला कि रेडियस जो है सर्कल की वो कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो आपने क्या किया Q को O से ज्वाइन कर दिया, और PQ और PR दो टेंजेंट है, तो आपने Q को O से ज्वाइन कर दिया और R को भी आपने O से ज्वाइन कर दिया, तो आपने एक चीज़ देखी पहली बात, तो क्या आपने देखा कि अगर OQ को आपने ज्वाइन कर दिया, मतलब और क्यू को आपने ज्वाइन कर दिया, तो आपको पता है ओ क्यू क्या बना, रेडियस बन गया, रेडियस की वैल्यू कितनी दे दी आपको 9 सेंटीमीटर, सिमिलरली ओ आर भी जो है रेडियस है, रेडियस की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, आपको पता है रेडियस जो है वो टेंजेंट बनाती है, वो टेंजेंट के साथ कौन सा एंगल बनाती है 90 डिग्री, आपको पता है जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ कौन सा एंगल बनाती है 90 डिग्री, आपने देखा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, आपको पता है 9, 12, 15 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, अगर 9 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज अगर 15 है तो बेस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, सिमिलरली पी आर भी जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपने देखा, आपको बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर का आपको एरिया बताना है, और आपने एक चीज देखी कि ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन सी, ट्रायंगल पी ओ क्यू और ट्रायंगल पी ओ आर दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर मतलब साइड जो है तीनों की सेम है, 12, 9, 15 है, और जो है ये 90 डिग्री का एंगल भी दोनों में है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में, तो आप बोल सकते हो कि अगर मुझे एरिया बताना है पूरे क्वाड्रिलेटरल का, तो मैं क्या करूं, एक ट्रायंगल का एरिया बता दूं और उसका मैं दो गुना कर दूं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो सेम है, ठीक है, तो आपने देखा ट्वाइस एरिया बताना, एरिया जो है राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का कितना एरिया होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 × 1/2, बेस कितना 9, सॉरी बेस कितना 12, हाइट कितनी 9, तो आपने देखा कि 108 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास आ गया इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर जो है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हो, राइट हैंड साइड में जो है मतलब ए का स्क्वायर या बी का स्क्वायर या सी का स्क्वायर जो भी है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, कॉन्स्टेंट कहीं भी हो, और राइट हैंड साइड में जो है वो आपका ए बी सी होना चाहिए, और दो ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए, दो के मतलब दो ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए, और ब्रैकेट के अंदर जो भी हो और दो जो होना चाहिए बाहर होना चाहिए, ठीक है, तो आपने देखना है फिर ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, आपने देखा ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ए की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली ए का कोफिशिएंट हो जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी, क्योंकि ए का जो कोफिशिएंट है वो -1, फिर आपने देखा सी स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1, तो आपने देखा सी की वैल्यू भी यहाँ पे डायरेक्टली सी का कोफिशिएंट यानी ये -1 आ जाएगी, फिर आप देख सकते हो कि 49b² जो है वो 7b² है, 7b² अगर आप खोलोगे तो 49b² आएगा, तो आप इसको 7b के फैक्टर में तोड़ लो, मतलब आपको पता है कि 4 × 7b अगर मैं करूं तो मेरे पास 28b आ जाएगा, अब जो ये 7b की वैल्यू है ना, मतलब ये जो 7b है इसका कोफिशिएंट जो है 4, मतलब 7b की वैल्यू जो है अपने कोफिशिएंट 4 के इक्वल है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4/7, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी -1, b की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी -1, तो आपने देखा -1, तो यहाँ पे कितना हो गया -1 +1 हो गया, तो -1 + 1 और ये गया आपस में, तो आपने देखा 1 से 1 गया, 4 जो है फाइनली बचेगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी सारी तरीके से बता चुका हूँ, देखो पहला तरीका तो देख लो, पी का आपको टोटल टाइम गिवन है कि पी अगर किसी काम को करता है तो 9 दिन में कर देगा, क्यू उसी काम को 15 दिन में कर देगा, 9 और 15 का एलसीएम लेके आपने 45 निकाल लिया, आपके पास एक दिन का काम आ गया पी का कितना 5, 45/9 किया, 45/15 किया तो 3 आ गया, एक दिन का क्यू का काम कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, उसके बाद आपने देखा कि इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, आपने देखा एक दिन में कितना काम कर लेंगे, आपको पता है एक दिन में पी जो है 5 काम करता है, 3 काम जो है क्यू करता है, मतलब ये क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क का अब से पहले इसी सीरीज में 4-5 बार करा चुका हूं, तो इसलिए क्वेश्चन में जल्दी करा रहा हूं, तो मैंने आपने देखा कि वन डे वर्क
पी का कितना है 5, क्यू का कितना है 3, मतलब एक दिन में पी जो है 5 काम करता है, क्यू जो है 3 काम करता है, तो दोनों साथ में मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 8 काम कर लेंगे। इन दोनों ने कितने दिन साथ में मिलके काम किया, 3 दिन, तो एक दिन का काम 8, 3 दिन का कितना काम हो जाएगा 24, 45 में से 24 काम हो गया, काम रह कितना गया 21। अब जो है इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय क्यू अलोन, मतलब अब जो है पी चला गया, क्यू अकेले को काम करना है, काम कितना बचा 21, एक दिन में क्यू जो है 3 काम करता है, तो 21 काम को करने में कितने दिन लेगा, 7 दिन। एक तरीका तो ये क्वेश्चन करने का, ठीक है। देखो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको उस तरीके से। पहली बात तो आपने देखा कि पी जो है टोटल काम, पी जो है पूरा काम 9 दिन में कर लेता है, तो आपने देखा इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, मतलब उन दोनों ने, पी और क्यू दोनों ने साथ में मिलकर 3 दिन काम किया, तो आपने देखा कि पी जो है पूरा काम 9 दिन में कर लेता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, आपने देखा 3 दिन में पी जो है 1/3 काम कर देगा। फिर आपने देखा क्यू जो है पूरा काम 15 दिन में कर देता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, आपने देखा 3 दिन में वो भी 1/5 काम कर देगा। अब फ्रैक्शन के हिसाब से टोटल वैल्यू होती है 1 में से, मतलब पूरे काम में से 1/3 और 1/5 काम हो गया, तो काम बचा कितना, आपने देखा 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15, 15 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना 8, मतलब 5 और 3 कितना 8, 8 अगर 15 में से माइनस करूंगा तो 7/15 आ जाएगा, मतलब अब जो काम बचा है वो 7/15 बचा है, ठीक है। तो आपको पता है कि क्यू जो है पूरा काम, पूरा काम मतलब 1, पूरा काम जो है क्यू वो 15 दिन में कर लेता है, पूरा काम जो है क्यू 15 दिन में कर लेता है, तो आपको बताना है कि जो काम बच गया अब कितना 7/15, अब 7/15 काम क्यू कितने दिन में कर देगा, तो आपने देखा 7/15 काम क्यू 7 दिनों में था कर देगा। एक तरीका ये भी है, क्वेश्चन में बोला द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स 3/5, मतलब उसी नंबर का 3/5, ये कितना हो गया 274, ठीक है। तो आपने देखा 2x की वैल्यू 2x/5, क्योंकि 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x, 2x/5 कितना हो गया 274, तो ये कितना हो गया 137, और x की वैल्यू कितनी हो गई 137 इंटू 5। आपको बोला है कि व्हाट इज द 20%, आपने नंबर जो है वो x सेलेक्ट किया था, आपको उसी नंबर का अब 20% बताना है, तो x की वैल्यू ये आ गई 20%, 20% कितना होता है 1/5, तो आपने देखा कि 5 से 5 शुगर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमारी थोड़ी कैलकुलेशन बच गई, तो आपने देखा 137 जो आपका करेक्ट आंसर है। आपको बोला है वैन नंबर m, अगर किसी नंबर m को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जो है 6 आता है, ठीक है। अब मैं उसी स्क्वायर, उसी नंबर का स्क्वायर कर रहा हूँ, मतलब मैं m का अब स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। इफ द स्क्वायर ऑफ m, अब मुझे m स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, 7 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आप इस m नंबर में जब आपने m को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 6। अब आप m में जो भी चेंज करते हैं, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करो, चाहे आप इसको डिवाइड करो, चाहे आप कुछ भी करो, सेम चेंज आपको रिमाइंडर के साथ करना पड़ेगा, मतलब अगर आप m स्क्वायर कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको रिमाइंडर को भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 जो है रिमाइंडर तो आ नहीं सकता कभी भी, 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो आप इसको दोबारा 7 से डिवाइड करो। आपने देखा 35 एज इट इज जाता है तो रिमाइंडर जो है, मतलब 7×5=35 होता है, 35 + 1=36, तो 1 जो है आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है कि x की पावर 8 और x की पावर 4, आपको पता है ये 2599 के साथ जो है x की पावर 4, इससे आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि x माइनस 1/x बनाना है, तो पहले तो आप ये चीज़ देखो कि मैं x की पावर कुछ प्लस 1/x की पावर कुछ, उसमें मैं कैसे बना सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यार मुझे ये 2599 जो है ना, इसके पीछे जो भी है, x की पावर 4 है अभी तो, पर इसके पीछे जो भी हो, मतलब सबसे बड़े नंबर के पीछे जो भी हो, उसको खत्म करना पड़ता है। उसको खत्म करने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x की पावर 4 से। तो आपने देखा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और यहाँ पे माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा 2599। अब आप क्या कर सकते हो, आपको x माइनस 1/x बनाना है, तो आप पहले क्या करोगे, आप इसको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में चेंज करोगे, फिर उसके बाद आप x माइनस 1/x के फॉर्म में चेंज करोगे, और ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ इसी सीरीज के अंदर, CHSL 2020 के, ठीक है। तो आपने देखा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ, तो अब जो ये लिखा है, ये लिखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड 2 जोड़ा तो मैं राइट हैंड साइड भी 2 जोड़ूंगा, तो आपने देखा 2601 आ गया। अब 2601 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, आपने देखा कि 50 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास कितना आएगा 2500 अगर मैं 50 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास आएगा 2500, अगर मैं स्क्वायर करूं 60 का तो मेरे पास कितना आएगा 3600। अब आपको पता है कि अगर मैं
51 का स्क्वायर करूंगा तभी यूनिट डिजिट 1 आना है, या मैं 59 का स्क्वायर करूंगा तभी यूनिट डिजिट 1 आएगा। 59 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 3600 के आसपास वैल्यू आएगी, और 51 का स्क्वायर करूंगा तो ये 2500 के, अब ये वैल्यू 2500 के आसपास है, तो मतलब ये 51 का स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में सारा इंटीजर अवेलेबल है, इंटीजर अवेलेबल है तो आपको यहाँ परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा ही दिखेगा। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 51। अब आपको बनाना क्या, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स बनाने के लिए आपको -2 -2 करना पड़ेगा। आपने देखा -2 किया, या फिर आप देख सकते हैं कि 51 के पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है, आपने देखा 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 49 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से -2 से -, अगर आप राइट हैंड साइड कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपको करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि अब जो ये लिखा है, ये लिखा है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में लिखा है 49। 49 जो होता है वो क्या होता है, 7 का स्क्वायर। तो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7 आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है कि यहाँ पे sec गिवन है, sec गिवन है तो आपको पता है रूट टू जो है वो sec की कौन सी वैल्यू पे होता है, 45 डिग्री की वैल्यू पे होता है। तो आपने देखा sec की वैल्यू ये और इसके, तो आप आपस में इक्वेट कर दो, तो आपने देखा 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 जो है वो 45 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। आपने क्या किया, sec 45 को sec 90 माइनस 3 बाय 2 3 थीटा बाय 2 को कंपेयर कर दिया, तो आपने देखा 90 माइनस 45 कितना 45 हो जाएगा, और 3 थीटा बाय 2 और 3 जो है 15, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30 डिग्री आ गई। तो आपने देखा 2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई 2, और 4 इंटू कॉस 2 इंटू 30 मतलब कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है, 1 बाई 2। तो आपने देखा 2 प्लस 1 3। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला इन हाउ मेनी इयर्स द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम ऑफ इतना एट रेट इतना। देखो इस क्वेश्चन को करने का ना एक बहुत आसान तरीका है, ठीक है, आप ना करो कि आप ऐसा ना करो कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको आप प्रिंसिपल में जोड़ो तो आप देखो अमाउंट आ गया, फिर अमाउंट के साथ आप फॉर्मूला लगाने बैठ जाओ। ये क्वेश्चन इतना आसान है, आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो करेंगे कैसे, आपने देखा कि यार मैं एक साल का ब्याज देख लेता हूँ पहले, आपने देखा कि आपको बोला है ना कि टाइम बताओ कि कितने साल में इतना ब्याज हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आपने देखा कि 60,000 प्रिंसिपल है, रेट कितना है 8%, तो आपने देखा कि 60,000 का 8% कितना हो जाएगा, आपको पता है 60,000 का जो 8% है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 4800। अब एक साल का ब्याज कितना, 4800 हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ब्याज जो है वो कितना है, 9,984 रुपये। फिर आपने देखा दो साल की अगर मैं बात करूँ, दो साल में आपको पता है कि पहली लाइन तो सिमिलर होती है, फिर आपको 4800 पे ब्याज देखना है, 4800 का 8% कितना हो जाएगा आपके पास, आपने देखा 8 तो यहाँ पे कितना आ गया, 384 आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ से 9600 और 384 को अगर मैं जोड़ूँ तो आप देख रहे हो 9984, मतलब आपको बोला कि ब्याज है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट 9984, तो आपने देखा दो साल का ही ब्याज है इतना। अब इसका और शॉर्ट तरीका बताता हूँ, देखो आपने देखा कि इस वाली चीज़ को भूल जाओ, आप क्या करो, आपने देखा कि 60,000 का 8% कितना होता है, 4800, पहले साल 4800 इसके आसपास भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद दूसरे साल जो है वो कितना ब्याज हो जाएगा 4800 और, तो टोटल कितना हो गया 9600, ये 9600 के आसपास है। फिर अगर आप तीसरे साल का भी ब्याज जोड़ दो, जैसे कि ऑप्शन में आपको 1, 2, 3, 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो आप देखो 3 साल का अगर मैं ब्याज देखूँ तो ये जो ब्याज है ये टोटल जाके कितना हो रहा है आपके पास, 1440 मतलब 14,400 हो रहा है, ठीक है। तो आपने लिखा 14,400 जो कि 9984 से बहुत ऊपर है, तो एक तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तीन भी नहीं ऑप्शन हो सकता क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है ही नहीं, उससे कम है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है 2। और ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आप कैलकुलेशन में मास्टर हो और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है, आपने देखा कि 2 टेन जा 20 में से 3 गए कितना, 17, ठीक है, और अगर आप 1/8 को मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ये हो गया 7/24, ठीक है। तो आपने देखा 39 आ जाएगा यहाँ पे, 13 3 39 और यहाँ पे 13 में से 6 गए कितना होगा, 13 में से 6 गए 7 हो गया, तो 13/8 × 7/39, तो आपने देखा कि ये कितना हो गया, 3 पे गया तो ये -7/24 प्लस, और ये जो है 43/10 हो गया ये, ठीक है। तो आपने देखा -7 से +7/24 गया, तो 43 में अगर मैं 17 जोड़ूं
तो 60 होता है, 6 आ जाएगा, आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने देखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 3 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो आपने देखा 4 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा, तो आपने देखा कि अगर मैं कॉस थीटा को साइन थीटा के पैरों में ले जाऊं तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपने देखा टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपने देखा 2 जो है, 2 बाय 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास 2 आ गया, बेस जो है आपके पास 1 आ गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, बेस का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया √5। अब आपको साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, तो आपको पता है साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा पी बाय एच, इसकी पावर जो है 4, कॉस थीटा जो है बी बाई एच हो जाएगा 1/√5, इसकी पावर 4। तो आपने देखा 2 की पावर 4 कितना 16, √5 की पावर 4, √5 का स्क्वायर कितना 5, 5×5=25 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 15/25, यानी कि ये हो गया आपके पास 3/5, 3/5 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बोला है शॉपकीपर बॉट 840 kg ऑफ राइस, जिसमें से उसने कुछ पार्ट जो है 25% प्रॉफिट पे बेचा और रिमेनिंग पार्ट उसने 10% लॉस पे बेचा, पूरे में उसको जो प्रॉफिट हुआ है 15% प्रॉफिट हुआ है, आपको बताना है व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ द राइस विच वाज सोल्ड एट 10% लॉस। देखो इस पे एलिगेशन लगेगा बड़े आराम से, कुछ पार्ट था ठीक है, मान लो 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो था राइस का वो उसने 25% प्रॉफिट पे बेचा, और सेकेंड पार्ट जो था मतलब जो रिमेनिंग था वो उसने 10% लॉस पे बेचा, तो आपने क्या किया, प्रॉफिट को अगर आपने प्लस में लिखा हुआ है ना तो लॉस को आप माइनस में लिख दो, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के जो साइन है वो ऑपोजिट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। और ऑन द होल प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना 15%, ऑन द होल मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को जोड़ के जो टोटल राइस था उसकी वैल्यू जो है वो 15% प्रॉफिट पे गई है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है 25% प्रॉफिट पे, सेकंड पार्ट जो है वो 10% लॉस पे, तो मैंने -10% लिख दिया। अब प्रॉफिट है, पूरे पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्लस में आएगा, और जब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मैंने अलग अलग लिख रहा था मैं, तो मैंने इसको अलग अलग लिख लिया, और जब फर्स्ट और सेकंड पार्ट को जोड़ के जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको मैंने बीच में लिखा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि एलिगेशन लग गया, तो भैया चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने देखा 25 और 15 का डिफरेंस कितना 10, और 15 और -10 का डिफरेंस आपने देखा, 15 और -10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा, तो 25:10 यानी कि कितना हो गया आपके पास 5:2। आपने देखा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो रेशो है वो कितना है 5:2, कंबाइंड कर दो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को जोड़ के टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस जो है वो कितनी आ गई रेशो के हिसाब से 7, और आपको टोटल क्वांटिटी दी कितनी है 840 किलो, एक की वैल्यू कितनी हो गई 120। आपको बताना जो लॉस पे बिकी, लॉस पे क्या बिका 10%, 10% मतलब ये जो 2 रेशियो है मतलब सेकंड पार्ट जो है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है रेशियो के हिसाब से 2, तो 2 की वैल्यू निकाल दो, 240 किलो जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 240 किलो जो राइस है वो 10% लॉस पे गया। अभी अगला क्वेश्चन है, आपको बोला है मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ इतना क्रॉस द टनल इन 18 मिनट्स, आपको बताना है लेंथ ऑफ टनल। आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ को कोई क्रॉस करता है, ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं ठीक है, जब भी किसी चीज़ को कोई क्रॉस करता है तो डिस्टेंस की जगह लेंथ आ जाता है। अब देखो एक आदमी ने टनल को क्रॉस किया, टनल को क्रॉस किया तो आपको पता है टनल की कुछ लेंथ होती है, तो डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो लेंथ ऑफ टनल के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की जगह आपने लेंथ ऑफ टनल लिख लिया, टाइम क्या हो गया ये आप फॉर्मूला में पुट करो, स्पीड जो है मैन की वो कितनी दी है 4 km/h, और टनल की जो लेंथ है वो मीटर में बतानी है, तो किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर लो, आपने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 5/18 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, लेंथ ऑफ टनल आपको कितनी दी है वो आपको निकालनी है, चलो एल मान लो इसको, टाइम जो है वो 18 मिनट लग रहा है। अब ये जो है ये मीटर पर सेकंड में है ठीक है, तो आपको 18 मिनट को भी आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, 18×60 आपने कर दिया, तो आपने देखा लेंथ की जो वैल्यू है वो 4×20 कितना हो जाएगा 1200, मतलब लेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, लेंथ ऑफ टनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। आपको बोला लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 3 cm स्मॉलर देन लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, ठीक है। तो आपने देखा अल्टीट्यूड आपने x मान लिया, तो बेस जो है वो आपके पास कितना हो गया x-3 हो गया,
ठीक है, आपको बताना है लेंथ ऑफ बेस, लेंथ ऑफ बेस बतानी है, मतलब ये वाली लेंथ बतानी है आपको। आपको एरिया दे दिया, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना, x माइनस 3, हाइट कितनी, x, और एरिया आपको कितना गिवन है, 104। तो आपने देखा x माइनस 3 इंटू एक्स जो है वो 104 इंटू 2 लिखा है, ठीक है। तो आप जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 208 करने के बजाय आप यहाँ पे ना वैल्यू पुट करने की सोचो। आपने देखा 104 इंटू 2 लिखा है, तो गैप जो है 3 का है ही नहीं इन दोनों के बीच में। तो आपने देखा 104, 104 का आधा कितना होता है 52, 52 का आधा कितना होता है 26, तो 26 और 26 चौक, तो यहाँ पे 26 इंटू 8, इन दोनों का गैप भी 3 नहीं है। तो आपने देखा 13 और यहाँ पे मैं 16 कर सकता हूँ, तो आपने देखा इन दोनों का गैप जो है 3 है। तो आपने देखा यहाँ पे कि अगर मैं x की वैल्यू 16 रखूँ तो x माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 माइनस 13, मतलब यहाँ पे आपको पता चल गया कि x की वैल्यू जो है वो 16 आ गई। तो x की वैल्यू 16, तो x माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 13। 13 जो है वो बेस है, आपको यही पूछा था, एक तरीका ही है। अब दूसरा तरीका, अगर आपको ऑप्शन से इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप पता क्या करो, आप ना बेस को x मान लो, आप जो है बेस को x मान लो, तो आपके पास जो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि हमने अब की बार उल्टा कर लिया, हमने जो है बेस की जो ये है क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ बेस जो है हमने इसको x मान लिया, तो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड आपके पास कितना हो गया, x प्लस 3 हो गया। तो आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी है, 104। अब x x प्लस 3 जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 208। अब आपको ऑप्शन में अवेलेबल है लेंथ ऑफ बेस जिसको आपने x माना, तो आप ऑप्शन पुट करना शुरू करो। आपने देखा लेंथ ऑफ बेस जिसको आपने x माना है उसकी वैल्यू जो है वो ऑप्शन ए में कितनी दिया, 11 × 14 कितना होता है, 154, ऑप्शन गलत। फिर आपने देखा 12 × 15 कितना होता है, 180, ऑप्शन गलत। फिर आपने देखा 13 आपने वैल्यू रखी, 13 × 16 कितना होता है, 208। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है, आपको बोला व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टन्स इन द प्रोडक्शन इन 2015 एंड 2017। पहली बात तो प्रोडक्शन जो है वो ये है, तो आपने देखा प्रोडक्शन 2015 में कितनी थी, इतनी, 2017 में कितनी थी, इतनी, मतलब टोटल प्रोडक्शन जो है वो कितनी है, 1350। और सेल जो है 2018 और 2019 में, तो आपने देखा 2018 में 400, 2019 में कितनी, 516, तो टोटल कितनी होगी, 916। इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, तो 434। आपको बोला द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैन ऑन ट्यूसडे। अब जब भी आप भी और मैं भी जब ये क्वेश्चन देखता हूँ ना, मतलब ऐसे ऐसे जिसमें परसेंटेज ना बताना हो ना, और ये रेशियो बताना हो या फिर ये डिफरेंस बताना हो या टोटल करके बताना हो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको बोला द रेशो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैन ट्यूसडे और वेडनेसडे कितना है, 510 में 390 अगर मैं जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 900। और थर्सडे और फ्राइडे, तो आपने देखा इन दोनों को 300-150 का मैं जोड़ूंगा, 450 जो है 2:1 हो जाएगा भैया, ठीक है, क्योंकि 450 × 900 होता है। द रेशो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाई कंपनी पी, कंपनी पी कौन सी है, ये वाली 2015 से 2019। तो आपने देखा एवरेज कितना आएगा, 80 और 70, 150 150 और 100 250 250 में अगर मैं 120 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 370 370 में अगर मैं 80 जोड़ूं, 370 में 80 जोड़ूंगा तो 450 हो जाएगा। साल कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 साल हैं, तो एवरेज जो है वो कितना आ गया, 90 आ गया। तो रेशो ऑफ, और फिर कंपनी आर का भी आपको एवरेज प्रोडक्शन देखना 2015 से 2019, तो कंपनी आर कौन सी है, ये वाली। तो आपने देखा 50 में अगर मैं 70 जोड़ूं 120, 120 में अगर मैं 100 जोड़ूं 220, और 90 310 310 में अगर मैंने जोड़ दिया तो 375 आ जाएगा, 310 में 65 375, बिल्कुल सही है। और ये जो है इसको 75 पे काटेगा, तो आपको 90 और 75 का रेशियो बताना था, ये 15 पे जाएंगे दोनों, 6:5 जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा आपका बिल्कुल। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में चलेगा दिमाग, ठीक है, देखो कैसे। आपने देखा विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब फेल स्टूडेंट हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है बॉयज दिया है, गर्ल्स दिया है, टीचर दिया, और जो स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं ना नेक्स्ट क्लास में वो आपको गिवन है। तो आप जो है फेल स्टूडेंट का जो परसेंटेज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, आपने देखा बॉयज कितने 27, गर्ल्स कितनी
31, तो आपने देखा टोटल बॉयज़ और गर्ल्स मिला के कितने हो गए 58। अब टोटल जो स्टूडेंट्स थे क्लास में वो कितने थे 58, 58 में से नेक्स्ट क्लास में जो प्रमोट हुए वो कितने हुए 43 प्रमोट हुए, तो फेल कितने हुए होंगे 15। बस थोड़ा सा लॉजिक था इसमें, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में। तो आपने देखा कि परसेंटेज क्या हो जाएगा फेल स्टूडेंट का, आपने देखा 15 स्टूडेंट फेल हो गए, टोटल स्टूडेंट थे कितने बॉयज़ और गर्ल्स को जोड़ के 58, तो 15/58 × 100% जो है फेल स्टूडेंट का परसेंटेज हो जाएगा क्लास ए के, ठीक है। अब क्लास बी के बनाते हैं, तो आपने देखा कि टोटल स्टूडेंट कितने 35 और 30 65 टोटल स्टूडेंट हैं, जिसमें से 45 नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए, तो 20 जो है फेल हो गए होंगे, ठीक है, 65 में से 45 गए 20, ये आ गई बी की वैल्यू परसेंटेज। अब सी की निकाल लेते हैं, आपने देखा 62 जो है 30 और 32 कितना 62 में से 58 प्रमोट हो गए, तो रह कितने गए 4/62 × 100%। और डी, तो आपने देखा कि ये जो है 67 हो गया, 67 में से 61 प्रमोट हो गए, तो 6 जो है वो फेल हो गए होंगे, तो फेल स्टूडेंट का परसेंटेज आ गया। अब कैसे निकालें हाईएस्ट परसेंटेज, देखो हाईएस्ट अगर वैल्यू निकालनी है तो आपका न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर सबसे छोटा होना चाहिए। आपने देखा क्योंकि डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो पूरी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखा न्यूमिनेटर आपको बड़ा चाहिए, डिनोमिनेटर आपको छोटा चाहिए, तो आपने देखा अगर मैं ए की बात करूँ, क्योंकि बी ए और बी की अगर मैं बात करूँगा तो आप देख रहे हो ए से न्यूमिनेटर भी बड़ा है और डिनोमिनेटर भी जो है बड़ा है बी का, ठीक है। तो आप ए सी डी की बात कर लो, क्योंकि दो ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो रहे हैं। आपने देखा सी का मतलब ए सी और डी का अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा न्यूमिनेटर किसका है इसका ए का, और सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटर किसका है सबसे कम, सॉरी डिनोमिनेटर सबसे कम देखना है और न्यूमिनेटर सबसे ज़्यादा देखना है। तो आपने देखा डिनोमिनेटर जो सबसे कम है वो किसका है ए का, क्योंकि सी का डिनोमिनेटर भी ए से ज़्यादा, डी का डिनोमिनेटर भी ए से ज़्यादा, और सी का न्यूमिनेटर जो है वो ए से कम है, डी का न्यूमिनेटर भी ए से कम है, तो सी और डी तो कभी हाईएस्ट हो नहीं सकते। अब रेस रह गई ए और बी में, ए और बी को सॉल्व कर लो। तो आपने देखा कि ए और बी को जब आपने सॉल्व किया तो ए से सॉल्व करके आपका आ गया 25.86% और ये आ गया 30.77%, मतलब ये बी जो है हाईएस्ट हो जाएगा। अब ये वाली शिफ्ट आ गई, शिफ्ट बहुत आसान थी, आप मानेंगे इस चीज़ को कि जब मैं ये शिफ्ट देख रहा था तो मैंने 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन जो है वो बिना पेन के सॉल्व कर दिए थे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो आपको बोला है कि इनर और आउटर रेडी दिया, मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, इनर रेडी ये वाली और आउटर रेडी ये वाली, मतलब आउटर रेडी मतलब आउटर सर्कल की रेडियस, इनर रेडी मतलब इनर सर्कल की रेडियस आपको गिवन है। आपको बोला कि दोनों की सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस बताओ। मान लो इसकी बड़े सर्कल की रेडियस जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है छोटे सर्कल की रेडियस, तो बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना 2πr, छोटे का कितना 2πr, तो हमने देखा 2πr − r हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, क्योंकि आपको सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस बताना है ना, डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। और 9.5 में से 6.7 गया तो आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.8 आ जाएगा, है ना। और 7 जो है 2.8 को काट देगा, कितने पे 0.4 पे काट देगा इसको, तो आपने देखा कि जब आपने इसको 0.4 पे काट दिया तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 4 × 8 और 17.6 आ जाएगी, ठीक है। तो कटो, आपने देखा 0.4 पे कट गया, तो 2 × 0.4 कितना 0.8 और 22/8 कितना होता है 176, तो 17.6 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला स्ट्रिंग ऑफ अ काइट, काइट की स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग होती है जो डोर बोलते हैं ना जिसको, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में डोर बोलते हैं। तो देखा मान लो यहाँ पे काइट उड़ रही है, काइट जो है कहीं यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है, काइट जो है कहीं यहाँ पे उड़ रही है, तो इसकी जो स्ट्रिंग है मतलब यहाँ से लेके स्ट्रिंग जो है आपको बता डायगनली उड़ती है, काइट जो है डायगनली उड़ती है, तो आपने देखा कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है मतलब जितनी डोर से उड़ रही है उसकी लेंथ जो है 158 मीटर है। फिर आपको बोला कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, आपको बताना है हाइट, हाइट ऑफ द काइट बतानी है, मतलब ग्राउंड से जो हाइट है वो बतानी है आपको। एज्यूम दैट देर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब स्लैक मतलब कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं गुंजल बन जाता है ना डोर का, तो वो नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा 30 डिग्री अगर राइट एंगल ट्रायंगल होती है हाइट एंड डिस्टेंस के केस में, तो ये जो साइड होती है √3 होती है, ये 1 होती है और ये 2 होती है आपस में रेशो में। तो आपने देखा 2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 158 और आपको हाइट बतानी है, मतलब 1 की वैल्यू बतानी है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 158/2, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास
79। अब ये वाला क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको बोला है ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल बीएसी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपने बीएसी एंगल जो है वो 90 डिग्री बना लिया, ठीक है। फिर आपको गिवन है क्या, आपको गिवन है कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे, ओके। आपको एडी की लेंथ दी है, आपको बीडी की लेंथ दी है, आपको बीसी की लेंथ बतानी है। देखो ये क्वेश्चन ना पहले आ चुका है, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। देखो कैसे होगा, एडी का जो स्क्वायर होगा, मतलब ये वाली जो साइड है इसका जो स्क्वायर होगा, इस साइड और इस साइड के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। तो एडी की वैल्यू कितनी 8.4, 8.4 का स्क्वायर, और बीडी की वैल्यू कितनी 4.8। तो यहाँ से आपके पास सीडी की वैल्यू आ जाएगी, और आपने देखा ये गया 12, 1.2 को 1.2 जो है इसको 4 पे काटेगा और इसको 7 पे काट देगा, और फिर ये जो है 2.1 पे काटेगा। तो सीडी की जो लेंथ आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 14.7 सेंटीमीटर। अब सीडी 14.7 आ गई, बीडी आपको कितने की बना 4.8, ठीक है। तो आपको बीसी बतानी है, बीसी जो है बीडी और डीसी का जोड़ हो जाएगा। तो ये आ गया 19.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 19.5 सेंटीमीटर आपका बीसी आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितना मज़ेदार पिज़्ज़ा पे क्वेश्चन आया, बताओ यार मुंह में पानी भी आएगा और क्वेश्चन करते हुए जो चेहरे पर पानी तो आता ही है, आपको पता पसीना आ जाता है जब आप किसी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो पसीना आना तो स्वाभाविक है। आपको बोला है 1/4 ऑफ अ सर्कुलर पिज़्ज़ा, एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको पता है कंप्लीट एंगल एक सर्कल के अंदर जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने का होता है 360, मतलब इसमें से 90 डिग्री का क्वाड्रेंट काट दिया, ठीक है। तो मतलब एक पिज़्ज़ा की, मतलब एक सर्कुलर पिज़्ज़ा की 1/4 स्लाइस ख़त्म, ठीक है। मतलब ये चीज़ ख़त्म हो गई पिज़्ज़ा की, मतलब ये वाली स्लाइस उठा के किसी ने खा ली। अब पिज़्ज़ा का डायमीटर जो है वो 28 था, तो रेडियस कितनी रही होगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का आधा होती है रेडियस। अब होल पिज़्ज़ा में से रिमूव कर दिया, अब पिज़्ज़ा बचा कितना, आपने देखा कि पिज़्ज़ा जो है वो अब इतना बच गया, ठीक है। पिज़्ज़ा जो है अब इतना बच गया, अब इसका आपको पैरामीटर बताना, ठीक है। तो आपको पता है कि 2πr जो है वो कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रांस होता है या पैरामीटर होता है, मतलब कंप्लीट पिज़्ज़ा का जो पैरामीटर था वो 2πr था। अब इसमें से 1/4 जो है वो तो रिमूव हो गया, टोटल वैल्यू होती है कितनी फ्रैक्शन की, एक, जिसमें से 1/4 चला गया तो रह कितना गया 3/4, ठीक है। या फिर नॉर्मली बंदा सोच भी सकता है कि 1/4 अगर पिज़्ज़ा गायब हो गया तो पिज़्ज़ा रह कितना गया 3/4 रह गया। अब क्या हमने ऐड करना है, तो आपने देखा 1/4 पिज़्ज़ा जाने के बाद जो पिज़्ज़ा बचा वो कितना बचा 3/4, तो 2πr इंटू 3/4 तो करना ही है। साथ में आपको सर्कमफ्रांस में ये दो रेडियस भी जोड़नी है, मतलब साथ में आपको सर्कमफ्रांस में ये दो रेडियस भी जोड़नी है, क्योंकि जो 2πr इंटू 3/4 जो सर्कमफ्रांस है ना वो सिर्फ इसकी है, ये जो ग्रीन ग्रीन था ना इसकी है सिर्फ, ये 2πr इंटू 3/4 इसका है सिर्फ ये सर्कमफ्रांस या पैरामीटर। तो इसके साथ आपको 2r भी जोड़ना है, तो हमने देखा 2 × 22/7 रेडियस कितनी है आपके पास 14, और ये हो गया 3/4, और रेडियस कितनी है आपके पास दोबारा 14। तो आपने देखा 7 × 28, 14 × 28, तो ये हो गया 66 + 28 जो कि आपके पास कितना हो जाएगा 94 इज द करेक्ट आंसर, पैरामीटर जो होगा 94 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको बोला बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना एलिसा सफर्स एज मच लॉस एज शी वुड हैव गेन्ड बाय सेलिंग इट एट प्रॉफिट 22%, मतलब प्रॉफिट अगर 22% होता तो इतना ही अब उसको लॉस हुआ है जब उसने इतने सेलिंग प्राइस पे बेचा, मतलब लॉस का परसेंटेज आपको दिया हुआ है। ये कुछ नहीं कह रही, इतनी सी लाइन ये बात बोल रही है क्या कि अलीसा को लॉस हुआ है 22% का, ठीक है। आपने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो है, मतलब आपने जितने भी खरीदा आपने उसकी वैल्यू मान ली कितनी 100%। अब 100% में से 22% का लॉस हो गया, मतलब 100% कॉस्ट प्राइस था, 22% का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितने का रहा होगा। आपने देखा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में से अगर आप लॉस घटा दो तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, तो सेलिंग प्राइस आपका कितने का रहा 78%, और सेलिंग प्राइस आपको गिवन कितना है 1170।
तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आपने देखा कि 1170 बाई 78, तो 78 इसको 1 पे काटेगा और फिर 39 90 5 पे जाएगा 390, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 15। और फिर आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस मैंने 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू अगर 15 100% की कितनी आ जाएगी 15 × 100 कितना 1500 आ जाएगी। अब आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया, आपको बोला है कि अगर जो ये आर्टिकल है ये 1450 पे बेचा जाता, मतलब अगर इसका सेलिंग प्राइस जो है वो 1450 होता तो लॉस या गेन परसेंट जो भी होता वो बताओ। तो आपने देखा पहली बात तो कॉस्ट प्राइस बड़ा, सेलिंग प्राइस छोटा, मतलब लॉस होगा, ठीक है। लॉस हुआ कितने का, आपने देखा 1500 की चीज़ खरीदी 1450 में बेच दी, तो नुकसान कितने का हुआ 50 रुपये का। नुकसान निकालते किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो आपने देखा 50 बाई 15 हो गया, 50 बाई 15 कितना 3.33% हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस हुआ 3.3 का। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5-डिजिट नंबर दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8, 15, 16, 21 और 5, ठीक है। इंग्लिश वाले ये भी देखेंगे थोड़ा कि ये 5 ये क्यों बना। तो आपने देखा कोई ऐसा नंबर बताओ जो 8 पे भी जाए, 15 पे भी जाए, 16 पे भी जाए, 21 पे भी जाए, 5 पे भी जाए, मतलब वो कुछ नहीं बोल रहा, वो इन सभी नंबर का एलसीएम बोल रहा है, क्योंकि इन सभी नंबर का अगर मैं एलसीएम निकाल दूंगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दूंगा, तो वही एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे लीस्ट होगा, सबसे मिनिमम नंबर होगा या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर मैं इन पाँचों नंबर का एक एलसीएम निकाल दूँ तो वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन पाँचों पर जाएगा, ठीक है, कम्प्लीटली। तो आपने देखा कि 8, 15, 16, 21 और 5 इनका एलसीएम निकालना है। पहली बात तो आपने देखा कि 16 अगर गिवन है तो 8 की ज़रूरत ही नहीं, 16 आ जाएगा, और ये कितना होता है 5 × 3, ठीक है, तो 5 यहाँ से भी गया, और 21 में क्या होता है 3 × 7, 3 यहाँ लिख लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 7। तो ये एलसीएम निकालना मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी बहुत अच्छे से सिखाया था। तो आपने देखा 16 × 5 कितना होगा 80, 80 × 3 = 240, 240 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आपको पता है मेरे पास आ जाएगा 1680। अब 1680 ग्रेटेस्ट 5-डिजिट नंबर निकालना है जो इन पांचों पे चला जाए, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप पता क्या करें, इसमें आप 1680 को डिवाइड ही कर दो इन सब से। तो आपने देखा 9832 को 1680 से डिवाइड करना है, तो आपने देखा 0 0 गया 168 को। मेरा तो मानना यही है कि बिना टाइम वेस्ट करते हुए ना फटाफट डिवाइड करूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि 168 जो इसके जाएगा वो 840 पे जाएगा पहले तो 5 पे, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास कितना 3, 4, 1, 143 आया, तो 1432, और फिर उसके बाद ये जो है वो 8 पे जा सकता है, और 8 पे जाएगा 1344, तो रिमाइंडर आ रहा है, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब आप क्या करो, आप 9912 से डिवाइड करके देख लो किसको, 168 को 0 से 0 गया, तो आपने देखा कि 168 को 9912 से करेंगे तो आपने देखा 840 तो एज इट इज जाएगा 5 पे, 1, 5, 1, 151, 1512, ये 9 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा नंबर है जो कम्प्लीटली जा रहा है, ठीक है, बाकियों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, देखो मैं तरीके बताता हूँ। पहला तो तरीका ये हो सकता है कि ना आप सिर्फ ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा कॉस्ट थीटा क्या होता है, कॉस्ट थीटा जो है वो होता है बेस बाय हाइट न्यूज, मतलब आपको हाइट न्यूज की वैल्यू पता लग गई कितनी, इतनी 1 + 4x². साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइट न्यूज, तो आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता, आपको बेस की पता है, हाइट न्यूज की पता है। हाइट न्यूज जो है वो नीचे आना चाहिए, मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर बाय हाइट न्यूज, तो साइन थीटा आपसे पूछा तो जो डिनोमिनेटर में है वो हाइट न्यूज आना चाहिए, और डिनोमिनेटर में हाइट न्यूज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो कि हाइट न्यूज की वैल्यू है कितनी 1 + 4x², तो डिनोमिनेटर में चारों ऑप्शन में जिसमें 1 + 4x² होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपने देखा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में 1 + 4x² यानी कि हाइपोटेन्यूज है, तो यही ऑप्शन सही है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप एक्स की वैल्यू 1 मान लो, एक्स की वैल्यू आपने 1 माना तो आपने देखा कॉस थीटा कितना आ गया 4 × 1 और 1 + 4 कितना 5/4 आ गया, सॉरी 4/5 आ गया, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4/5, कॉस थीटा अगर 4/5 है तो आपको पता है 3/4/5 का ट्रिपलेट होता है, 4 base 5 हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, तो साइन थीटा जो है वो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब कोई बोलेगा कि सर जैसे मैं ये ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा ये ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, मुझे पता है ये ऑप्शन सही है, आप बोलोगे कि सर 1 - 4 और 1 + 4 आ गया एक्स की वैल्यू 1 रखने में, तो ये तो -3/5 आ गया, आपका साइन थीटा आया था 3/5 और यहाँ पे आ रहा ऑप्शन से -3/5। मैंने कब कहा कि
मेरा साइन थीटा 3/5 आया। यहाँ पे कोई थीटा का वो थोड़ी दिया है कि थीटा जो एक्यूट एंगल है, थीटा की रेंज थोड़ी दे रखी है, थीटा कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि साइन थीटा की वैल्यू -3/5 भी हो सकती है, ठीक है, और 3/5 भी हो सकती है। अगर वो बोलता कि थीटा जो है 0 से 90 के बीच में, फिर तो आपके साइन थीटा की वैल्यू 3/5 बनती है। अभी थीटा की कोई रेंज नहीं गिवन है, तो आप -3/5 भी बना सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो आपने देखा इसी ऑप्शन से -3/5 आ रहा है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, साइन थीटा नेगेटिव, मतलब ये जो चीज़ है ये कॉस थीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस जो है पॉजिटिव होता है, साइन जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और कोई कहे कि सर ना हमें तो पूरा तरीका बता दो, तो देख लो भाई परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना इतना, और बेस का स्क्वायर, तो आपने देखा कि 1 प्लस 16 एक्स की पावर 4 प्लस 8x² 2 × 4x² कितना होगा 8x², और यहाँ पे कितना हो गया -16x², तो आपने देखा 1 प्लस 16 x की पावर 4 -8x², तो ये जो लिखा है ये लिखा है 1 - 4x² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट गया स्क्वायर से, तो परपेंडिकुलर जो है वो क्या आ गया आपका 1 - 4x². अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, खुद से कर लेना यार, एक क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ, देखो बहुत आसान है। आपने देखा कि ये गया, ये कितना हो गया, पहले ऑफ सॉल्व करना है, तो 29 × 2 कितना होगा 58, 58 जो है 232 को कितने पे काटेगा, 4 पे काटेगा, 4 में 770 अगर मैं जोड़ूं तो कितना आएगा 774, और 774 को आपको 18 से डिवाइड करना है, तो 18 × 36 72, और फिर 72 के बाद 54 आ जाएगा, 43 आ गया, ठीक है। और अब इसको सॉल्व कर लो, आपने देखा 4 × 3 = 12, 8/12 कितना 2/3, ठीक है, और 2/3 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 18 × 2/3, तो 18 × 36/3 कितना 12, 12 में से 4 गए कितना रह जाएगा आपके पास 8 रह जाएगा, न्यूमिनेटर में कितना रहेगा 8, और ये कितना हो गया 8 - 6 = 2, 2 × 2 कितना 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, और 4 × 1/2 कितना 2, तो 2 × 3/2 कितना हो जाएगा 3, तो 8/2 ये कितना हो गया 4, 43 में से 4 गए 39 जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है देखो, बहुत आसान और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको दिया है क्या कि अ बोट कैन ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ इतना इन स्टिल वाटर, ठीक है। आपको पता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हम x से डिनोट करते हैं, x की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 19 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ वाटर या वेलोसिटी ऑफ वाटर हम किससे डिनोट करते हैं y से, तो y की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में बहाव है, उसी डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन का बहाव है। और अपस्ट्रीम होता है कि जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो पानी की डायरेक्शन है, मतलब पानी जो फ्लो कर रहा है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आपने देखा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में अगर मैं स्पीड ऑफ करंट मिला दूंगा तो मेरा स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम आ जाएगा, ठीक है, और अपस्ट्रीम जब स्पीड जो है वो एक दूसरे को धक्का दे रही होती है तो स्पीड फिर कम हो जाती है, कितनी रह जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको आपको बताना है कि 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, टोटल टाइम कितना लगा, तो आपने देखा टोटल टाइम जो है वो डाउनस्ट्रीम का टाइम और अपस्ट्रीम का टाइम ऐड करना पड़ेगा। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 88, स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की बारी 22, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना 24, स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की बारी 16। तो आपने देखा ये तो गया 4 पे और ये आ गया 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5, तो 4 में 1.5 जोड़ूंगा तो 5.5, यानी कि 5.5 घंटे लगेंगे टोटल कवर करने में। आपको बोला है सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इतना इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिलेंडर, राइट, सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस इतना, आपको हाइट बतानी है सिलेंडर की। तो आपको पता है जब भी एक शेप से दूसरी शेप में ढालो तो उन दोनों शेप का वॉल्यूम आपस में इक्वल करना होता है, ठीक है। तो आपने देखा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 π r³, r कितना, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई, r कितना 9 × 9, और h आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो आपने देखा पाई से पाई गया, और फिर सॉल्व कर लेना हाइट जो है आपके पास जो आएगी आपके पास आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, वैसे तो 2.058 आएगी, तो 2.1 आप मान सकते हैं।
अब साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू जीरो, तो कॉस ए को राइट हैंड साइड ले जाओ, साइन ए इक्वल टू कॉस ए, ये कब होता है, जब ए जो है वो 45 डिग्री हो, ए 45 होगा तो साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, तो ए इक्वल टू 45 डिग्री, जब एंगल 45 डिग्री हो तो साइन और कॉस की वैल्यू जो है इक्वल होती है। अब कोई बच्चा पाई बाय 4 ना क्लिक कर, टिक कर देना, क्योंकि आपसे यहाँ पे आपसे ए नहीं पूछा, यहाँ पे आपसे कॉट ए पूछा, मतलब कॉट 45 1 पूछा, तो 1 जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। ध्यान रखना इक्वेशन आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, एक दो सेकंड चाहे फालतू लग जाए क्वेश्चन में। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि पी जो है एक टैप है जो किसी सिस्टम को भर देती है कितने टाइम में, 6 घंटे में, और क्यू जो है वो खाली कर देती है किसी सिस्टम को 10 घंटे में। तो आपने देखा पी का काम है भरने का, क्यू का काम है खाली करने का, 6 और 10 एलसीएम कितना आ गया, 30। अब टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी या टोटल वॉल्यूम हमारे पास सिस्टम आप ऐसा मान सकते हैं कि सिस्टम जो होता है ना वो ड्रम होता है जिसके अंदर हम पानी फिल करते हैं ना गोल गोल सा, तो टोटल वर्क बोल सकते हैं या टोटल कैपेसिटी या टोटल वॉल्यूम, ठीक है, जो है इसका वो कितना आ गया सिस्टम का, 30 आ गया। अब 30/6 किया 5, 30/10 किया कितना आ गया 3 आ गया, तो 1 घंटे का काम पी का कितना 5, क्यू का कितना 3। आपको बोला गया कि दोनों टैप खोल दी गई हैं और कितने घंटे लगेंगे खाली सिस्टम को भरने में, तो आपने देखा टाइम क्या होता है, आपको टोटल टाइम बताना है टोटल टाइम कितना लगेगा। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा आपको पता है, टोटल टाइम जो होता है वो कितना होता है, टोटल वर्क बाय 1 आवर वर्क ऑफ पी और क्यू। पी क्या कर रहा है, भर रहा है, क्यू क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो भरने को आपने पॉजिटिव मान लिया, खाली करने को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो एक्शन है आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। अगर 5 भरा गया मतलब पी और क्यू साथ में खोले गए, पी क्या है 1 घंटे में 5 भरता है, क्यू क्या है 1 घंटे में 3 खाली करता है, तो 5 भरा 3 खाली करा मतलब टोटल भरा कितना गया 1 घंटे में 2, 1 घंटे में 2 भरा जाता है तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 30, 30 भरने में कितना टाइम लगेगा 15 घंटे। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को मैं अगर ऑप्शन से उड़ाना चाहूँ मुझे 2 मिनट लगेंगे, कैसे करेंगे देखो, आपको बोला है कि टोटल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट जो है वो रिस्पेक्टिवली बतानी है। इंटरेस्ट जो है आपको पता छोटा होगा, अमाउंट जो है वो हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, ठीक है, अमाउंट जो है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, तो इंटरेस्ट जो है हमेशा छोटा होगा, अमाउंट जो है सबसे हमेशा बड़ी होगी। तो आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है इंटरेस्ट बड़ा है अमाउंट छोटी है, इसमें क्या है इंटरेस्ट बड़ा है अमाउंट छोटी है, दोनों ऑप्शन गलत। अब नीचे वाले 2 ऑप्शन रह गए, अब आप एक चीज़ देख रहे हो क्या, इंटरेस्ट मान लीजिए आपने माना कि इंटरेस्ट जो है वो 130 रुपये आया दोनों से, मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, इससे टोटल इंटरेस्ट जो है आपने मान लिया 130 आया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि इंटरेस्ट तो 130 है। अब अमाउंट आपको बतानी है टोटल अमाउंट, तो आपने देखा 7 और 10 कितना हो गया 17,130 आपके पास आ गया, ठीक है। तो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि जब आपने देखा ना ये कि ये 000 मतलब जब आपने दोनों अमाउंट जोड़ी 7 और 10 17, तो आपने देखा लास्ट में कितना बचा 000। अब लास्ट के 3 डिजिट जो हैं ये 000 आ गए, तो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो कौन से दिखने वाले हैं इंटरेस्ट के, तो लास्ट के 3 डिजिट जो है इंटरेस्ट और इसके टोटल अमाउंट के, टोटल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट के लास्ट के 3 डिजिट जो है इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इसमें 748, इसमें 784 और इसमें दोनों में 784, मतलब यही ऑप्शन सही है, ठीक है। अब ये तो रही ऑप्शन से करने की बात, पर हमें पूरा कॉन्सेप्ट भी तो पता करना है। तो आपने देखा कि पहली बात तो आपने 7,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे दिए, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, 7,000 प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। आपने देखा 100 से ये गया और 8 टू 16, 16 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1120। फिर आपको बोला गया कि प्रिंसिपल है 10,000, रेट उतना ही है कितना 8%, तो आपने देखा कि पहले साल ब्याज कितना आएगा, आपने देखा 10,000 पे 8% ब्याज कितना होगा 800, तो आपने देखा पहले साल का ब्याज 800, तो दूसरे साल का ब्याज जो है 800 तो होगा होगा, इस 800 पे भी 8% ब्याज लगेगा, तो 800 का 8% कितना हो जाएगा 64। तो आपने देखा कि टोटल जो ब्याज आया, अब ये जो ब्याज है ये तो प्रिंसिपल पे ब्याज, मतलब 10,000 का 8% कितना हो गया 800 पहले साल,
खाली प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा, दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो ब्याज लगेगा लगेगा, ये जो है ये प्रिंसिपल का ब्याज है, और 800 जो ब्याज आया था पहले साल का उस पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि प्रिंसिपल पे तो ब्याज लगता लगता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है हर साल, तभी हर साल का ब्याज जो है वो इक्वल होता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज अलग होता है। तो आपने देखा कि 1120 सिंपल इंटरेस्ट से ब्याज आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज कितना आ गया 1664, तो टोटल ब्याज कितना आ गया 2784, टोटल ब्याज इतना, और टोटल प्रिंसिपल जो है वो कितना है 17000। 17000 में टोटल आपने ऐड कर दिया इंटरेस्ट, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ गई मैच्योरिटी की कितनी 19784। अभी वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत बार कर चुके हैं, पहले भी आ चुका है, खुद से कर लेना। बाकी एक और तरीका बताऊं आपको इसको करने का, कैसे करेंगे, ऑप्शन ही चले जाओ। क्या करो, आपने देखा ए और बी का रेशियो कितना है 11:7, और ए बी सी का रेशियो आपको ऑप्शन में गिवन है। आप क्या करो, ए और बी को काटना शुरू करो। आपने देखा कि 5 पे काटा 7:11, आपने काटा 11:7 आया, और ये तो कटते ही नहीं आपस में, ठीक है, और ये भी नहीं कटते आपस में, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें से ए रेशो भी 11:7 आ रहा है, टिक कर देना। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताओ जिसकी हाइट इतनी है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है हाइट जो होती है वो साइड का √3/2 से मल्टीप्लीकेशन होती है। साइड मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, और हाइट जो है ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। तो आपने देखा इसकी वैल्यू आपको कितनी की माना 3.46, तो √3 जो होता है वो आपके पास कितना होता है, √3 जो होता है आपको बोला है कि इस इक्वेशन में 1.73 मानो, तो 1.73 जो है इसको दो पे काट रहा है, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6 आ गई। आपको पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि आपको पता है तीनों साइड अगर इक्वल होती है तो तीनों साइड को जोड़ दो, तो इक्वल साइड को आप 3 बार जोड़ोगे तो आपने देखा 18 जो है आपके पास पैरा 4 आएगा ना, ए की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, तो 3a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 क्या हो गया, ठीक है, तो आपके पास पैरामीटर जो आ गया वो कितना आ गया 12। आपको बोला 1/5 ऑफ अ जर्नी, आपको बोला है कि 1/5 ऑफ द जर्नी जो है वो कितने पे ट्रेवल की 30 किलोमीटर पर आवर पे, 1/4 ऑफ द जर्नी कितने पे ट्रेवल की 25 किलोमीटर पर आवर पे, और रेस्ट जो जर्नी थी वो कितने पे ट्रेवल की 60 किलोमीटर पर आवर। देखो मेरा सुझाव ये है, आप इस क्वेश्चन को पता कैसे करें, आप ना लेट कर ले डिस्टेंस, ठीक है। आपने देखा डिनोमिनेटर में 5 है और 4 है, 5 और 4 का एलसीएम यानी 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन आप लेट कर ले, लेट टोटल डिस्टेंस जो है आपने 5 और 4 का एलसीएम कह लो, 5 या 4 का मल्टीप्लिकेशन ही कह लो आप सीधा, तो आपने 20 किलोमीटर डिस्टेंस लेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि 1/5 और 1/4 के में ना हम फ्रैक्शन हटा देंगे, ठीक है। तो आपने देखा टोटल डिस्टेंस कितना 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का 1/5 कितना हो जाएगा, आपने देखा 20 किलोमीटर का 1/5 कितना हो जाएगा 4, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो उसने 30 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल की, 20 किलोमीटर का 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ 20 किलोमीटर कितना 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 25 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल की, और बचा कितना आपने देखा 20 में से 4 और 5 9 तो उसने ट्रैवल कर लिया, बचा कितना 11 जो है उसने वो 60 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल किया, ठीक है। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने देखा 4 और 5 9 और 11 20, और यही हमने माना था, तो आप डायरेक्ट 20 भी लिख देंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि टाइम कितना लगा, आपने देखा 4 किलोमीटर ट्रैवल किया 30 किलोमीटर पर आवर पे, तो टाइम कितना लगा आपको पता है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर, स्पीड कितनी 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो हो गया 4/30, और फिर 5 किलोमीटर ट्रैवल किया 25 किलोमीटर पर आवर पे, तो 5/25 टाइम लगा 5 किलोमीटर को ट्रैवल करने में, और 11 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना लगा 11/60 डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिया हमने, तो आपने देखा ये गया 2 पे, ये गया 15 पे, ये गया 5 पे। तो आपने देखा कि अगर मैं एलसीएम 60 ले लूँ नीचे, तो 15 × 60 और 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यहाँ सीधा 12 ही आ जाएगा, और ये 11 ही रहेगा, ऊपर कितना 20। तो आपने देखा 12
और 11, 23, 23 में अगर मैं 8 जोड़ूं तो 31 होता है, और 20 इंटू 60 यानी कि 1200 बाई 31 आएगा। अगर 30 होता, 1200 बाई 30 होता तो 40 आ जाता आंसर। अब 31 है मतलब 30 से बड़ी वैल्यू है, तो वैल्यू जो है 40 से छोटी होगी, हल्की सी छोटी होगी, तो 40 से हल्की सी छोटी वैल्यू कौन सी है, 38.7। 30 तो बहुत छोटा हो गया 40 से, और 25 भी बहुत, और 40.5 तो 40 से बड़ा ही हो गया, ठीक है। तो 38.7 जो है आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में ना काफ़ी सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका तो यह है कि आप ए को भी 1 और बी को भी 1 मान सकते हो, तो आप देखोगे पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस 1, 2, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और फिर आप ए का क्यूब 1 का मतलब ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 करोगे तो 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 ये कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन से मिला लो, ठीक है। पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू ऑप्शन में पुट करो और ऑप्शन से मिला लो, ठीक है। जैसे मैं मान लो पहले ऑप्शन में पुट करता हूँ, तो आपने देखा पी की वैल्यू कितनी, मतलब पी की वैल्यू कितनी 2, 2 की पावर 4 कितना 16, माइनस 4, पी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 1 प्लस 2 क्यू का स्क्वायर, तो आपने देखा 16 और 4 चौक 16 और 1 16, तो 16 से 16 चला गया और बचा कितना 2, आपका आया कितना 2, ऑप्शन भी कह रहा है 2, तो ए ऑप्शन सही है, एक तरीका ही है। दूसरा आप इसको प्रोसीजर से सॉल्व करो, प्रोसीजर से कैसे, आपने देखा ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है पी, तो आप क्या करो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर जो है तो 2ab, ab की वैल्यू कितनी q, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी p स्क्वायर माइनस 2q। अब इसका भी आप स्क्वायर कर दो, ये कितना आ जाएगा p की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q, और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो आप इसको ab का होल स्क्वायर लिख दो, ab कितना q, और यहाँ पे p की पावर 4 प्लस 4q की पावर q का स्क्वायर, तो इस वाले से जो आपके पास आ गया ab की वैल्यू कितनी q, तो ये 2q स्क्वायर हो गया, 4q स्क्वायर और 2q स्क्वायर यहाँ प्लस में तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपने देखा p की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा जो कि पहला ही ऑप्शन है ना। तो ये आ गया आपके पास वैल्यू किसकी, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है ए जो है वो 150% परसेंट को हटाऊं तो 2200 लगाना पड़ेगा बी, तो ये देखा आपने 3:2 आ गया रेशो बी, बी जो है 40% है सी का, ठीक है। तो आपने देखा बी रेशो सी कितना 2:5, ए रेशो बी कितना 3:2, तो आपने देखा 2 रेशो हैं उनको अगर कंबाइंड करोगे तो आपने देखा दोनों रेशो में कॉमन क्या है बी, बी की वैल्यू इक्वल बनानी है, पर बी की वैल्यू तो इक्वल ही है तो रेशो को एज इट इज लिख दो 3:2:5। फिर आपको बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ जो है वो कितना है 20, तो आपने देखा रेशो के हिसाब से जोड़ कितना है तीनों का 5 और 3 8 और 2 10, 10 की वैल्यू कितनी आ गई 20, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो आपको यहाँ से पता लग गया कि 3 की वैल्यू 6 है, 2 की वैल्यू 4 और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और ए की वैल्यू कितनी होगी 6, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10, आपको पुट करना है, बी की वैल्यू कितनी 4, सी की वैल्यू कितनी 10, ए की वैल्यू कितनी 6, तो ये कितना आ गया 8 प्लस 30 38 में से अगर मैं 24 घटाऊँ तो मेरे पास 14 आता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है 1 dozen नोटबुक क्योटेड एट, मतलब 1 दर्जन नोटबुक है जिनका मार्क प्राइस जो है वो 125 है, वो 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो आपने देखा 100% खुद की वैल्यू 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब मार्क प्राइस की खुद की वैल्यू 100% जिस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितनी वैल्यू में बेचा 80% वैल्यू में बेचा, 80% जो है वो होता क्या 4/5, अब इसको काटेंगे तो आप देखते हो कि यहाँ पे 100 आ गया, मतलब 100 रुपये कॉस्ट है 1 dozen नोटबुक की, तो 1 dozen मतलब 12 नोटबुक की कॉस्ट कितनी है 100 रुपये, तो 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी आ गई 100 बाय 12, 100 बाय 12 को आप क्या लिख सकते हो, आपने देखा 4 पे आप इसको काट सकते हो, या कितना आ गया 25/3, मतलब 1 नोटबुक की जो कॉस्ट है वो कितनी है 25/3, आपको बोला है कि 75 रुपये में कितनी नोटबुक्स खरीद सकते हैं, तो आपने देखा एक की कॉस्ट कितनी 25/3, अगर आप टोटल पैसे खर्चने मतलब आपने देखा 75 रुपये में नोटबुक्स खरीदनी है तो
कितनी नोटबुक खरीदी जा सकती है 75 रुपये में, जब एक ही कॉस्ट कितनी है 25/3। तो आपने देखा कि 75 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 25/3 से, तो आप देख सकते हो कि 75 रुपये में 9 किताबें खरीदी जा सकती हैं, 3×9 जाएगा। ठीक है, कोई बोले कि सर कैसे कर दिया, देखो आपने देखा एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी 25/3। तो आपने मान लिया कि चलो एक्स नोटबुक खरीदी जा सकती हैं 75 रुपये में, तो एक्स नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी 25/3x। ठीक है, और फिर 25/3x जो है वो कितना आ गया आपके पास 75 के इक्वल, तो x की वैल्यू जो है यहाँ से भी 25/3 आ जाएगी। ठीक है, 75 जो है वो टोटल कॉस्ट हो गई, भाई इतना पे करना है, तो एक बुक की कॉस्ट से डिवाइड कर दोगे 75 रुपये को, तो आपके पास नंबर ऑफ नोटबुक्स आ जाएंगे जितनी खरीदी जा सकती हैं 75 रुपये में। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा ये क्या लिखा है 27 होता है 3 का क्यूब होता है, तो आपको पता चल गया कि एक्स प्लस 1/x का क्यूब अगर 3 क्यूब के इक्वल है, तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो एक्स प्लस 1/x अगर a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो होता है वो कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो होता है वो क्या होता है, a² - 2। 9 - 2 कितना 7। अब एक चीज़, x^4 + x^2 + 1 इसके ना 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं x^2 + 1/x से, तो मेरे पास ये बचेगा सिर्फ, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। या फिर आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे न्यूमिनेटर में भी 3 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 3, काट के कितना आ गया 1। ऑप्शन से चेक कर लो, आपने देखा कि सॉरी ये नहीं आएगा ऑप्शन, ये तो गिवन ही है, यहाँ पे ये आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो आपने ऑप्शन में पुट किया, ये कितना हो गया 1 - 1 + 1 कितना हो गया 1, ये 1 + 1 + 1 3, 1 + 2 + 1 = 4, 1 + 1 - 2 ये 0 आ गया। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका आंसर जो है वो 1 आ रहा है, और यहाँ पे 1 था तो हो गया। ठीक है, ये आया पता कहाँ से, ये हम लिखते हैं ना a^4 + b^4 + a²b² जो है उसके 2 फैक्टर होते हैं, a² + b² + ab, और a² + b² - ab। बहुत क्वेश्चन आए हैं ऐसे CGL 19, CGL 18 में, और CHSL 19, CHSL 20 में भी आए हुए हैं, CGL 20 में भी आए हुए हैं, आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू जो है x ली गई है, मतलब इस वाले में क्या हुआ है, a की वैल्यू x ली गई है और b की वैल्यू 1 ली गई है। अब आप देख लो, लिखा यही है, अगर a की वैल्यू x और b की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ, लिखा यही है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस कलेक्टेड डोनेशन फॉर आर रिलीफ फंड, फिगर में शो हो रहा है, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, परसेंटेज वाइज मतलब यहाँ पे परसेंट लिखा है, अगर डिग्री होता तो डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता, ये चीज़ें आपको पता ही होंगी। ठीक है, आपको बोला है इफ द डोनेशन कलेक्टेड फ्रॉम मिडिल क्लास वॉज इतना, मिडिल कौन सा, ये इसमें से जो डोनेशन कलेक्ट हुई है वो कितनी हुई है 6750। आपको बताना है प्राइमरी क्लासेस से, प्राइमरी क्लासेस कौन सा, ये वाला, इससे डोनेशन कितनी। तो हमने देखा मिडिल क्लासेस से जो डोनेशन का परसेंटेज है कितना 30%, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 6750 रुपीज़। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 गया, 6750 by 30, तो 3 अगर मैं काटूँ तो 225 आ गया। ठीक है, आपको प्राइमरी क्लासेस से बताना है, प्राइमरी क्लासेस का जो परसेंटेज है वो कितना 18 को अगर मैं 225 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप देखोगे 18×5=90, ठीक है, और 18×5=36 और 5 आ जाएगा 45, फिर 4, तो 4050 आ जाएगा। ठीक है, तो 4050 जो है वो डोनेशन कलेक्ट हुई है किससे, बताओ, प्राइमरी क्लासेस से। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन है, आपको बोला टू ऑब्टेन फ्यूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रन द मशीनरी विच इज टू बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, तो यहाँ पे टू ऑब्टेन फ्यूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रन द मशीनरी विच इज, ठीक है, यहाँ कोमा आएगा, इसने गलत करा हुआ है। ठीक है, विच इज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कोल, मतलब फ्यूल जो है,
अगर उसको ऑप्टेन करना है तो एनर्जी चाहिए मशीनरी को रन करने के लिए, और एनर्जी आएगी कहाँ से? अच्छा यार मैं नहीं इस पचड़े में पड़ता, जो दिया हुआ सही है, ठीक है। तो ईंधन प्राप्त करने के लिए यानी कि फ्यूल प्राप्त करने के लिए, मशीनरी को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है जो कोयले को जलाकर उत्पादित की जाती है। मतलब एनर्जी जो है वो कोयले को जलाकर, मतलब कोयले को जलाएंगे तो हमारा फ्यूल भी बर्न होगा और एनर्जी भी हमें मिलेगी, ठीक है। तो फ्यूल जो है वो कोयले को जला के हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको बोला है क्या, आपको बोला है इफ़ वन टन ऑफ कोल बर्न, मतलब वन टन कोल जो है वो 0.4 मिलियन लीटर ऑफ ऑयल, मतलब अगर एक टन कोल को हम बर्न करते हैं तो इतना हमें ऑयल मिल जाएगा, ठीक है, या फ्यूल भी बोल सकते हैं, अभी फ्यूल ही आएगा, इतना फ्यूल हमें मिल जाएगा। तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कोल फॉर द ट्रेन सेक्टर, मतलब ट्रेन का जो सेक्टर है यानी कि ये वाला सेक्टर, इसके लिए हमें कितना कोल चाहिए। तो आपने देखा कि डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल डिग्री कितना होता है 360 डिग्री, तो आपने देखा 75 डिग्री जो है टोटल 360 डिग्री में से वो ट्रेन के लिए यूज़ हो रहा है, और टोटल जो फ्यूल है वो यूज़ हो रहा है कितना, 800 मिलियन। तो आपने देखा 75/360 इंटू 800 जब मैं करूँगा तो आप देखते हो पहली बात तो ज़ीरो से ज़ीरो गया, और आप देखते हो कि ये जो है 9 और फिर ये 25 और ये 3 पे गया, तो आपने देखा 500/3 जो है ये ट्रेन को चलाने के लिए फ्यूल लग रहा है, ठीक है। तो आपने देखा फ्यूल जो ट्रेन को चलाने के लिए लग रहा है वो कितना लग रहा है, 500/3 मिलियन लीटर, ठीक है। तो आपने देखा कि एक लीटर, एक मिलियन लीटर बोल सकते हैं, एक मिलियन लीटर ऑयल जो है वो कितने फ्यूल से चल रही है, सॉरी एक मिलियन लीटर ऑयल जो है या एक मिलियन लीटर फ्यूल जो है वो कितने कोल से चल रहा है, 1/0.4। तो आपने देखा कि 500/3 मिलियन लीटर चलाना है फ्यूल, तो कितना कोल चाहिए इसके लिए, 500/3, बड़ा गंदा क्वेश्चन है यार, ठीक है, और 10/4 बोल सकते हैं इसको। तो आपने देखा 2/5/250, तो ये कितना आ गया, ये आया 1250/3, और 1250/3 मतलब 416.6666, मतलब 417 हो जाएगा। तो 417 जो है वो करेक्ट आंसर है कि इतना 417 टन कोल चाहिए हमें, 417 टन कोल चाहिए हमें अगर हमें ट्रेन को रन करना है, और ट्रेन का फ्यूल कितना है, मतलब ट्रेन जो है फ्यूल कितना खा रही है, 500/3 मिलियन लीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला था रेशो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर हुज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज लेस देन 200, तो आपने देखा 200 से कम जिनका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है वो कितने बंदे हैं, 60। इसका रेशो बताना है किससे, टू द नंबर ऑफ वर्कर हुज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है 300 से ज़्यादा है। तो आपने देखा 300 से ज़्यादा कितनों का है, 500 तक का है, तो 300 से ज़्यादा तो गिन लो। तो आपने देखा 34 में 16 जोड़ा 50, 50 और 40 90 और 10 100, तो ये तो सिंपल से 3:5 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आपको बोला था एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पेपर बाय कंपनी बी इन 2017, 14 एंड 18, तो कंपनी बी ने 17, 18 और 2014, तो आपने देखा 60 और 150 कितना हो गया, 210, 210 में अगर मैं 180 जोड़ू तो कितना आएगा, 390, 390/3, ये आपके पास क्या हो गया, एवरेज हो गया, आपके पास एवरेज हो गया कितना, 130। अब 130 जो है, मतलब एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पेपर बाय कंपनी बी इन 2014, 2017 एंड 2018 कितना है आपके पास, 130, 130 जो है वो कंपनी ए जो प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन बाय कंपनी ए जो प्रोड्यूस कर रही है उससे 13.25, आप इसको क्या लिख सकते हो, 13.25%, ठीक है। तो आपने देखा प्रोडक्शन जो कंपनी ए के द्वारा की जा रही है ईयर, वो मिलाना है हमको, तो आपने देखा प्रोडक्शन बाय कंपनी ए से 13.25%, 100% खुद की वैल्यू 13.25% कम,
तो कितना हो गया 100 माइनस 13.2500। तो आपने देखा प्रोडक्शन कितनी हो रही है कंपनी ए के द्वारा, 130 × 100, और ये कितना है आपने देखा, ये आ जाएगा आपके पास 86.75। ठीक है, तो आपने देखा कि 13,000 × 86.75 करेंगे तो आप देखते हो 149.85, जो कि इक्विवेलेंट टू है 150। तो आपने देखा 150 जो है कंपनी ए ने कौन से ईयर में प्रोड्यूस किया था, 150 लाख टन। तो कंपनी ए ने 150 जो है वो कंपनी ए कौन सी, ये तो 150 ये, तो 2019 में जो है कंपनी ए ने 150 लाख टन पेपर प्रोड्यूस किया था। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है 2019। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, हेल्प हो जाएगी उसकी, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें, थैंक यू।